हिंदुवादी नेता विनायक दामोदर सावरकर द्वारा ब्रिटिश काल में स्वतंत्रता आंदोलन दरमियान लखी दया अरजी ने लई कर टीका पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी अड़ग है। राहुल गांधी आकोला में पत्रकारों साथ बातचीत में एक पत्र बताव्यों ने कहूं कि सावरकर पता जेल मुक्ति मे अंग्रेजों ने पत्र लख्य थो। आ उपरांत राहुले केन्द्र सरकार पर मोघवारी और बेरोजगारी मुद्दे पर प्रहार कर। महाराष्ट्र में कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा दरमियान प्रेस कॉन्फ्रेंस में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा ब्रिटिश सरकार ने लखेलो पत्र बताव्यो जेमा कहेवामां के अंग्रेजों की माफी मांगी है। कहूं कि साहेब हूं तमारो सेवक बनी रहेवा मांगू छू। राहुल गांधी निवेदन थी विवाद उभो थयो छे। सावरकर पौत्र रणजीत सावरकर नाराजगी व्यक्त की। राहुल गांधी की धरपकड़ की मांग साथ मुंबई दादर शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में फरियाद नोधाई। राहुल गांधी वीर सावरकर ने लईने निवेदन आप्युं हतुं। तेमनो दावो हतो कि सावरकर अंग्रेजों पासेथी पेन्शन लेता हता, तेमना माटे काम करता हता। जो कि महाराष्ट्रना पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना एक जूथनुं प्रतिनिधित्व करता उद्धव ठाकरे आवी वात पर पोतानुं वलण स्पष्ट कर्युं। तेमणे स्पष्ट कह्युं छे कि तेओ राहुल गांधी निवेदन साथे सहमत नथी। उद्धवे कह्युं छे कि अमे वीर सावरकर पर राहुल गांधी निवेदननुं समर्थन करता नथी। अमारा हृदयमां वीर सावरकर माटे आदर अने सन्मान छे। तेमना योगदानने कोई मिटावी शकतुं नथी। गैरकायदे खनन केस में झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी समक्ष पूछपरछ में हाजर थया। मुख्यमंत्री सोरेन की पूछपरछ में 100 प्रश्नों की याद तैयार करी। आ दिल्ली की अधिकारियों की एक टीम रांची पहुंची। आ प्रश्नों में 1000 करोड़ गैरकायदे खनन मामलो है। पूछपरछ पहला हेमंत सोरेने ईडी केन्द्र सरकार ने राज्यपाल ने घेरिया था। सोरेन तेमना पर लागेला आरोपों ने नकारी काढ़या है। कहूं कि आवा समन्स मोकलवामां आवी रह्या छे जेम के हूं देश छोड़वा जई रहूं छूं। सोरेन केन्द्र पर सरकार ने तूड़ी पड़वानुं षड्यंत्र रचवानो आरोप लगायो छे। बिहार सरकार उद्योग मंत्री समीर महासेठना अनेक स्थलों पर आवकवेरा विभागे दरोड़ा पाड़ा। समीर महासेठना पटना स्थित निवास स्थान सहित कंस्ट्रक्शन कंपनी पर दरोड़ा पाड़वामां आव्या। दरोड़ा समय मंत्री समीर महासेठ पोताना निवास स्थाने ज हाजर हता। आईटीनी टीम भोजन और पानी की बॉटल लई अंदर जती जोवा मळी। समीर महासेठ नीतीश कैबिनेट में आरजेडी कोटामांथी मंत्री छे। तेमनुं जूनुं व्यावसायिक काम पण रह्युं छे। तेमना पिता पण धारासभ्य हता। समीर महासेठ एमएलसी पण रही चुक्या छे। हिमाचल प्रदेश में रिवाज बदली फरीथी सत्ता प्राप्त करने भरोसा व्यक्त करता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कहूं कि कांग्रेस घना मोटा विधानसभा चूंटणी में हारनुं मोह जोवाना छे। हिमाचल में मतदान अमुक दिवस बाद परिणाम की आश्रे 20 दिवस पहला जयराम ठाकुर कबूलात करी कि भाजप और कांग्रेस की वच्चे कांटे की टक्कर जोवा मळी शके छे। 68 सभ्यों की विधानसभा में कांग्रेस 40-45 बैठकों जीतवानो दावो कर्यो छे। मनी लॉन्ड्रिंग केस आरोपी दिल्ली मंत्री सत्येन्द्र जैन ने कोर्ट तरफ थी मोटो झटको लाग्यो। राउज एवन्यू कोर्टे सत्येन्द्र जैन और अन्य बे लोगोनी जामीन अर्जी फगावी। जैन की 30 मे रोज ईडी द्वारा धरपकड़ करवामां आवी हती। राउज एवन्यू कोर्टे सत्येन्द्र जैन की जामीन अर्जी पर सुनवाई करता पोतानो निर्णय सुरक्षित राख्यो। अप्रमाणसर संपत्ति केस में सत्येन्द्र जैन विरुद्ध केस नोंधवामां आव्यो छे। ज्ञानव्यापी मुद्दे मुस्लिम पक्ष ने आंचको लाग्यो। ज्ञानव्यापी कैम्पस हिंदुओं ने सौंपवानी तेमने पूजा करवानो अधिकार आपवा अने मुस्लिम पक्ष प्रवेश पर रोक लगावानी मांग करती अरजीनो कोर्टे सुनावणी माटे स्वीकार कर्यो। विश्व वैदिक सनातन संघना कार्यकारी प्रमुख किरण संघ सिंह द्वारा सिविल जज फास्टट्रेक कोर्टे महेन्द्र कुमार पांडे की कोर्ट में अरजी दाखिल करवामां आवी हती जेनी सामे मुस्लिम पक्षे वांधो नोंधाव्यो हतो। कहेवामां आव्युं हतुं कि आ केस सुनावणी योग्य नथी पण हवे आ केसनी आगामी सुनावणी 2 ડિસેમ્બરે થશે। दिल्ली ना श्रद्धा होकर मर्डर केस ना आरोपी आफताब की 5 दिवस की कस्टडी लंबा। दिल्ली की एक कोर्टे आफताब ने 5 दिवस की पुलिस कस्टडी में मोकली दीधो। आ पहला आफताब ने 5 दिवस की कस्टडी में राखवामां आव्यो हतो। आफताब ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग द्वारा साकेत कोर्ट में रजू करवामां आव्यो हतो। साकेत कोर्टे आफताब ना नार्को टेस्ट की मंजूरी आपी। पुलिस कोर्ट पास 10 दिवस की कस्टडी मांगी थी। कोर्टे पुलिस ने नार्को टेस्ट करावानी मंजूरी आपी है। पुलिस आफताब ने उत्तराखंड और हिमाचल में लई जवा मांगे छे ज्यां श्रद्धा ने फरवा लई गयो। पंजाब अमृतसर में पुलिस ने सफलता हाथ लागी। पुलिस अमृतसर में 2 शंकास्पद आतंकवादियों की धरपकड़ करी। तेमनी पासेथी 3 हैंड ग्रेनेड और 1 લાખ રૂપિયા રોકડ મળી આવ્યા। पुलिस जणाव्युं के बन्ने आतंकवादी
फिरोजपुरना रहेवासी छे। तेमनी ओळख प्रकाशसिंह अने अंग्रेजी तरीके थई छे। बने कारथी अमृतसरथी पठानकोट तरफ जई रह्या हता। माहितीने आधारे पोलीसे ठेठ नाकाबंदी करी, जे बाद हाथ धरवामां आवेली तपासमां बंनेने दबोची लेवामां आव्या। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामीए तेमना एक ट्वीट में कहूं कि आज कोई ने मळ्युं छूं जे ताजेतरनी एससीओ समिट में भाग लेवा माटे समरकंद में हता। भारतीय मीडियाए दावो कर्यो कि मोदीए एससीओ कॉन्फरन्स में कि कॉन्फरन्स की बहार सी जिनपिंग साथ मुलाकात करी न हती। सत्य ए छे कि तेओ एक रूम में मळ्या हता। जनहित में मोदीए मीटिंग ना रेकॉर्ड सार्वजनिक करवा जोईए। इंडोनेशिया बाली में आयोजित टी ट्वेंटी समिट दरमियान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और कैनेडा वड़ाप्रधान की वच्चे जो उग्र दलीलों थी तो कैमरा में रेकॉर्ड थी थी। सामान्य रीते डिप्लोमसी में आ प्रकार की बातचीत ओछी जोवा मळे छे। जिनपिंगे कैनेडा वड़ाप्रधान ट्रूडो ने साथ थयेली मुलाकात दरमियान ती बात पर नाराजगी दर्शावी थी कि आपने जे पण चर्चा करीए छीए ते मीडिया में लीक कर देवामां आवे छे, आ उचित नथी। ट्रूडोए पण वर्तो जवाब आपता कहूं कि अमे स्वतंत्र खुला और स्पष्ट संवाद में विश्वास राखीए छीए और ते अमे करता रहीशुं। तो अमेरिका की धमकी बाद उत्तर कोरियाए वधु एक मिसाइल परीक्षण कर्यु। अमेरिकाए उत्तर कोरिया सामे सैन्य कार्यवाही की धमकी आपी, जे बाद दक्षिण कोरिया की सेना जणाव्या प्रमाणे उत्तर कोरियाए गुरुवारे तेनो पूर्व समुद्र तट तरफ बेलिस्टिक मिसाइल छोड़ी थी। उत्तर कोरियाए आ क्षेत्र में दक्षिण कोरिया और जापान की सुरक्षा माटे यूएस की मक्कम प्रतिबद्धता जवाब में कड़क सैन्य कार्यवाही शुरू करने की धमकी आप्याना कलाकों बाद आ पगलू भर्यु। भारत सरकारे हवे कोरोना रसी कोविक्सिन लईने मीडिया में चाली रहेली अफवा पर पूर्ण विराम मूक्यो। भारत सरकारे स्पष्टता करी कि भारत बायोटेक की रसी कोविक्सिन की मंजूरी कोई राजकीय दबाण हेठ आपवामां आवी नथी। मीडिया जे अहेवालो आवी रह्या छे ते संपूर्णपणे भ्रामक अने खोटा छे। सरकारे कह्युं कि कोरोना रसी ने मंजूरी आपवा माटे वैज्ञानिक अभिगम अने निर्धारित धाराधोरणनुं पालन करवामां आव्युं छे। एक रिपोर्टमां दावो करवामां आव्यो हतो कि स्वदेशी रसी कोवेक्सिन बनावती भारत बायोटेक ने राजकीय दबाण कार प्रक्रियाओ छोड़ी देवी पड़ी थी और क्लिनिकल ट्रायल ने झड़पी बनावी पड़ी। देगाम पूर्व धारासभ्य कामिनीबा राठौरे कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आक्षेप कर। टिकट वेची मामले कांग्रेस पक्षी कामिनीबा पास थी 1 करोड़ रूपया की मांग की आरोप लगवा। कामिनीबा पास 1 करोड़ न होवा 70 लाख रूपया और लास्ट में 50 लाख रूपया में टिकट आपवानी वात फाइनल करवामां आवी, परंतु कांग्रेस पार्टी ने बीजी तरफ थी रूपयानी मांगणी पूर्ण थता कामिनीबा ने टिकट न आपी होवाना आक्षेप थया। आ मामले कामिनीबाए भावी नामना व्यक्ति साथे जे वातचीत करी तेनो ऑडियो सोशियल मीडिया पर वायरल कर्यो। तेमज कामिनीबाए कह्युं कि कांग्रेस पक्षे मारी साथे अन्याय कर्यो होवाना पण आक्षेप कर्यो। देगामना पूर्व धारासभ्य काबिनेबा राठौड़े कांग्रेस पार्टी पर करेला गंभीर आक्षेप मामले कांग्रेस प्रवक्ता हिरेन बैंकरे प्रतिक्रिया आपी। हिरेन बैंकरे कहूं कि कांग्रेस की छवि ने खरड़वा माटे आ प्रकार आक्षेपों करवामां आवी रह्या छे। भाजप द्वारा आवा कॉल करवामां आवी रह्या छे, अन्य लोगों ने पण आवा कॉल आवी रह्या छे। कांग्रेस पक्ष द्वारा फरियाद करवामां आवी छे। भाजपनी सरकार आ घटना पर तपास करावे तेवी मांग छे। राहुल गांधी नो पीए वात करू छू करीने पण घणा उम्मीदवारों ने फोन आव्या छे, तेनी पोलीस तपास करशे। कांग्रेस द्वारा लेखित में रजूआत करवामां आवी छे। भरूचनी झगड़िया बैठक पर मनीष वसावाए उम्मीदवारी पत्र परत खेंचता पिता पुत्र वच्चे विवाद उकेलायो। हवे छोटू वसावा अपक्ष चूंटणी लड़शे। उम्मीदवारी परत खेंच्या बाद मनीष वसावाए जणाव्युं कि समाजनी एकताना तूटे ते माटे उम्मीदवारी पत्र परत खेंच्यु। वधुमां विधानसभानी चूंटणीमां झगड़िया बैठक पर छोटू वसावाने जंगी बहुमतीथी जीतड़वानो संकल्प पण कर्यो। बोटाद जिल्लामां विधानसभानी चूंटणीनो धमधमाट शुरू थयो त्यारे बोटादमां 20मीए वडाप्रधान मोदी जंगी जाहेरसभा संबोधशे। बोटाद खाते वडाप्रधाननी जाहेरसभामां 1 लाख करता वधु लोको हाजर रहेशे। बोटाद गढ़ा धंधुका अने जसवंत बैठकना भाजपना उम्मीदवारोना प्रचार अर्थे वडाप्रधान बोटाद आवशे, जेने लई बोटाद शहेर भाजप द्वारा तैयारीओ करवामां आवी रही छे। धोराजीमां वडाप्रधान मोदीना आगमननी तैयारीओ पूरजोशमां चाली रही छे। पीएम मोदी आगामी 20मीए धोराजीना अतुल इंडस्ट्रीज पासेना ग्राउंड में जाहिर सभा संबोधशे, जेने लई जिला पुलिस वडा अने एसपीजी कमांडो की टीम द्वारा सभास्थलनुं निरीक्षण। गुजरात विधानसभा की चूंटणी ने लईने आज उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र डेप्यूटी सीएम देवेन्द्र फडणवीस सूरत में आवी सभाओ गजवशे। योगी आदित्यनाथ 84 बैठक पर प्रचार करशे, तेमां देवेन्द्र फडणवीस निंबात विस्तार में चूंटणी प्रचार और जनसभा संबोधशे। भाजप द्वारा आगामी दिवसों में 15 થી વધુ સ્ટાર પ્રચારકો દક્ષિણ ગુજરાતમાં પ્રચંડ ચૂંટણી પ્રચાર કરશે તેવું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે।
नवसारी में भाजपा स्टार प्रचारक राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी चूंटनी सभा गजावशे। आज जेपी नड्डा बीआर फार्म में बीजेपी उम्मीदवार माटे चूंटनी प्रचार करशे। 31 नवेम्बरे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नवसारी में चूंटनी सभा गजावशे। दिवसे राहुल गांधी आदिवासी पट्टा में चूंटनी प्रचार करवाना छे। भाजपमांथी पीएम मोदी और कांग्रेस राहुल गांधी एक दिवस नवसारी में चूंटनी जंग खेलवाना होवाथी बंने पक्षों दिग्गज नेताओं ने तैयारी आरंभी छे। गांधीनगर दक्षिण बैठक की भाजपा उम्मीदवार अल्पेश ठाकुर उम्मीदवारी पत्र भर्यु। जो कि अगाउ अल्पेश ठाकुर रायसन महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करी अल्पेश ठाकुर की साथ सीएम भूपेन्द्र पटेल और भाजपा महामंत्री प्रदीपसिंह वाघेला उपस्थित रहा। अल्पेश ठाकुर कहूं कि आ विस्तार में कमर जीततू आयु है, आ वक्त जीताड़ो, पहला गुजरात और अत्यार गुजरात की परिस्थिति जोई मतदान करजो। आ उपरांत अल्पेश जनावे कि तमाम विश्वास जीतवा आयो छू, कोई ने नाराज नहीं करूं, तमाम लोकोना कामों करवामां आवशे। अल्पेश ठाकुरे वधुमां कह्युं कि 27 वर्ष पहला माफिया जोवा मळता हता। रेशमा पटेल आप माटे प्रचार करशे। आपमां जोडायेला रेशमा पटेल चूंटणी नहीं लड़े। रेशमा पटेल आम आदमी पार्टी माटे प्रचार करशे। रेशमा पटेल विरमगामथी चूंटणी लड़े तेवी शक्यताओ हती, जो कि आम आदमी पार्टीए मने स्टार प्रचारक तरीकेनी जवाबदारी सौंपी होवानुं तेमणे कह्युं। वधुमां कह्युं कि पार्टी ज्यां कहेशे त्यां प्रचार करशे। सयाजीगंज विधानसभा भाजपा उम्मीदवार कियू रोकोडिया ने फॉर्म भरू। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जोड़ाया। सभा बाद फॉर्म भरवा पहला रेली योजी। जामनगर में क्रिकेटर रविन्द्र जाडेजा पत्नी रीबाबा जाडेजाए डोर टू डोर प्रचार शुरू करो। डोर टू डोर प्रचार गुरुवार तीजो दिवस तरह लोगता प्रतिसद ने लई रीबाबा जाडेजाए जीत विश्वास व्यक्त करो। भाजप पक्ष द्वारा रीबाबा जाडेजा ने सेलिब्रिटी चेहरा तरीके उतर। हिम्मतनगर में आयाती उम्मीदवार सामेनो रोष खाड़वा भाजप प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल हिम्मतनगर की मुलाकात पहुंचा। हिम्मतनगर विधानसभा उम्मीदवार वीडी झाला फॉर्म भरवाने पगले सभा योजाई। आ समय कांग्रेस पूर्व महामंत्री बलवंतसिंह देवड़ा भाजप में जोड़ाया। आ प्रसंगे मोटी संख्या में कार्यकर्ताओ उपस्थित रहा। हिम्मतनगर विधानसभा भाजपा उम्मीदवार ने गांभोई खाते क्षत्रिय ठाकुर सहित अन्य समाजे समर्थन जाहिर कर। हिम्मतनगर विधानसभा भाजपे हवे पोताना उम्मीदवार जाहिर कर दीदा है। तरह उम्मीदवार जरा समय भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रमों ने स्थानिक लोग में भारी रोष व्याप्यो। जो कि हवे हिम्मतनगर विधानसभा वीडी झाला ने स्वीकार्या। गांधीनगर दक्षिण बैठक की भाजपा मेंडेट पर अल्पेश ठाकुर उम्मीदवारी पत्र भरता पहला रोड शो कर मोटी संख्या में लोग जोड़ाया। भूपेन्द्र पटेल रोड शो में जोड़ाया था। राजकोट एयरपोर्ट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुर जणाव्युं कि आगामी 31 नवेम्बर रोज राहुल गांधी सभा माटे तैयारी अर्थे आया छे। कांग्रेस में टिकट कपायना तमाम दावेदारों साथे संकलन मीटिंग कराई। संतुष्ट दावेदारों अमारी साथी छे। वधुमां आप पार्टी पर प्रहार करता कहूं कि आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों नाम जाहिर थया बाद पार्टी मॉरल डाउन थयुं छे। शुरुआत में जुस्सो हतो ते हवे रह्यो नथी। कांग्रेसे भिलोड़ा बैठक पर राजेन्द्र पारघी नाम जाहिर करू। राजेन्द्र पारघी नाम जाहिर थता भिलोड़ा मतविस्तार मतदारों आभार मान्यो। 30,000 लीड की जीत विश्वास व्यक्त करो। भिलोड़ा कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी छवाई। बायड ने टिकट कपाया बाद जसु पटेले कहूं कि टिकट न मरता कोई मन दुख नहीं, लोकसेवाए मारो सिद्धांत है। पार्टीए मैंने ओळख्यो नहीं अथवा तो पार्टीए घोटाला करवा वाला अने व्यापार करवा वाला ने टिकट आपी छे। वधुमां कहूं कि कांग्रेस में रहूं कि ना रहूं आगळ जोईशुं। सूरत की पूर्व बैठक की भारे ड्रामा बाद उम्मीदवारी पाछी खेंचनारा कंचन जरीवालाए पोताना अने परिवार माटे पोलीस प्रोटेक्शन की मांग करी। कंचन जरीवालाए पोलीस कमिश्नर ने पत्र लख्यो जेमां आप पार्टी माणसों अने कांग्रेस उम्मीदवार असलम साइकलवाड़ा माणसों जानथी मारी नाखे तेवो पोताने डर होवानो पत्र में उल्लेख कर्यो। पोते उम्मीदवारी पत्र परत खेंची लीधी होवाथी जानथी मारी नाखे तेवो डर व्यक्त कर्यो हतो। कांग्रेस बैठ विधानसभा उम्मीदवार उटरडा दीपेश्वरी माता मंदिरे पहुंची दर्शन कर्या। दर्शन कर्या बाद महेन्द्रसिंह वाघेला उम्मीदवारी पत्र नोंधावा रवाना थया हता। महेन्द्रसिंह वाघेलाए मालपुर बैठना लोगों साथे रही सतत कार्य कर्यु होवानुं पण निवेदन आप्युं। विधानसभा चूंटणी ने लई भाजपे प्रचार शुरू कर्यो त्यारे मोरबी जिल्लानी 3 बैठक पर आजे भाजपना स्टार प्रचारकों सभाओ गजावशे। जेमां माळिया बैठक पर मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल,
टंकारा पडदरी बैठक पर मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वांकानेर बैठक पर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उम्मीदवारों प्रचार करते। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह सरकार पर आकरा प्रहार कर दिग्विजय सिंह नोटबंदी ने लई सरकार ने आड़े हाथ लीधी। नोटबंदी की सौथी वधु नुकसान मध्यम वर्ग ने थयु होवानुं जणाव्युं। आ उपरांत तेओए कह्युं के जीएसटी थी नाना वेपारी त्रस्त बनी गया छे। सातोसाथ मोरबी दुर्घटना पेपरलीक भ्रष्टाचार सहित मुद्दे प्रहार कर। वडोदरा पादरा थी भाजपे टिकट आपता धारासभ्य दिनुमा में अपक्ष उम्मीदवारी नोंधावी। तेओए उम्मीदवारी पत्र पहला शक्ति प्रदर्शन कर्यु जेमा आप और कांग्रेस कार्यक्रमों पर जोड़ाया और दीनु मामा ने समर्थन आप। कांग्रेस सरवली बाड़ उम्मीदवार ने नामांकन पत्र रजू कर। जिला कांग्रेस समिति होदेदारों और कार्यक्रमों की हाजरी में महेन्द्र सिंह वाघेलाए नामांकन पत्र भरू। धानेरामां भाजप सामे माऊजी देसाईनो खुल्लो बळवो जोवा मळ्यो। भाजपमांथी भगवानदास पटेल ने टिकट अपाता तमाम होद्दा परथी माऊजी देसाई राजीनामू आप्यु। भाजपना दिग्गज नेता माऊजी देसाईए भाजप साथे छोड़ो फाड्यो। माऊजी देसाई अपक्ष में धानेराथी उम्मीदवारी करी हती। धानेरामां माऊजी देसाईनी विशाळ समर्थन सभा पण योजाई। विधानसभा चूंटणी अगाउ पंचमहाल कांग्रेस में गाबड़ू पड्यु। शहरा बैठक पर कांग्रेस खातू फगीने टिकट आपता कांग्रेस उपप्रमुख पीके चौहान नाराज थता कांग्रेस माथी राजीनामू आप्यु। पीके चौहाने शहरा विधानसभा बैठक पर कांग्रेस पक्ष माथी टिकट मांगी हती जेना अपाता नाराज थया। जो कि छेल्ला 30 वर्षथी पीके चौहान पार्टी साथे जोड़ायेला छे छतां टिकट न मळता राजीनामू आप्यु। पीके चौहान अपक्ष माथी उम्मीदवारी नोंधावी। बाढ़ कांग्रेस उम्मीदवारनु भव्य स्वागत थयु। कांग्रेस उम्मीदवार महेन्द्र वाघेला ने टिकट आपता कार्यकरो और समर्थकों में उत्साह जोवा मळ्यो। महेन्द्र सिंह वाघेला उम्मीदवारी नोंधावा जता जिला कांग्रेस समिति होद्देदारों कार्यकरोए भव्य स्वागत कर्यु। पंचमहाल लुणावाड़ा बैठक पर भाजपा भड़को थयो। भाजपा की टिकट न मळता ओबीसी समाज आगेवान अपक्ष उम्मीदवारी नोंधावी जेथी लुणावाड़ा राजकारण में गरमावो आव्यो। भाजपा ओबीसी समाज आगेवान एसएस खांच ने टिकट आपी नहोती तेवुं सिंचाई विभाग पूर्व अधिकारी रही चुक्या छे। तेमज नौकरी दरमियान भ्रष्टाचार आक्षेप थी घेरायेला रह्या हता। हालोल विधानसभा बैठक पर जाहिर करायेला कांग्रेस उम्मीदवार राजेन्द्रसिंह पटेल की प्रतिक्रिया सामे आवी। राजेन्द्रसिंह पटेले कहू कि हालोल विधानसभा बैठक पर टिकट की मांगनी न करी होवा छतां कांग्रेसे मने टिकट की फाळवणी करी छे परंतु मने मेंडेट मळ्युं ज नथी। आ उपरांत तेओए उमेर्युं हतुं कि पार्टी जे कहेशे ते करीश। कांग्रेस उम्मीदवार ने जीतरवामां मददरूप बनीश। आम आदमी पार्टी गुजरात प्रदेश जॉइंट सेक्रेटरी पद पर सूर्यसिंह डाभीए राजीनामू आप्यु। कांग्रेस छोड़ी आप में जोड़ाये सूर्यसिंह डाभीए राजपूत समाज टिकट न मळता आपना स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी पदे थी राजीनामू आप्यु। गांधीनगर उत्तर बैठक पर कांग्रेस उम्मीदवार वीरेन्द्रसिंह वाघेलाए कलेक्टर कचेरी समर्थकों साथे पहुंची उम्मीदवारी फॉर्म भर्यु। वीरेन्द्रसिंहे 20,000 की लीड थी बहुमती थी जीतनो दावो कर्यो। मोंघवारी वीजळी अभाव खेडूतों ने वीजळी मुद्दे भाजप पर प्रहार कर। गांधीनगर उत्तर बैठक भाजप पक्ष उम्मीदवार रीटाबेन पटेले उम्मीदवारी फॉर्म भर्यु। रीटाबेन पटेले गांधीनगर सेक्टर 21 में आवेला भाजप कार्यालय थी विशाल रेली काढ़ी शक्ति प्रदर्शन करी अने फॉर्म भर्यु। नवसारी की वासा बैठक में विधानसभा चूंटणी पहला कांग्रेस में गाबड़ू पड़ू। जिला पंचायत कांग्रेस विरोध पक्ष नेता चंदुभाई जाधवे कांग्रेस छोड़ी भाजपा खेसारण कर। भाजपा जिला प्रमुख भूरालाल शाह की आगेवानी में भगवो धारण कर पीयूष पटेल ने समर्थन आप। विधानसभा की चूंटणी में बनासकांठा में कुल 193 फॉर्म भराया। जिला में 9 विधानसभा बैठक पर 133 उम्मीदवार 193 फॉर्म भरया। भाजप कांग्रेस आप अपक्ष सहित 193 फॉर्म भराया। राज्य में चूंटणी माहौल वच्चे मोटा समाचार सामे आव्या। भाजपा सीआर पाटिल ने हवे कोई गांठतू न होवानी वात सामे आवी। टिकट कपाता अपक्ष उम्मीदवारी नोंधावनारा नेताओं ने मनावामां पाटिल निष्फळ रह्या छे। जे भाजप नेताओं अपक्ष उम्मीदवारी करी हशे तेमनी सामे पाटिले चीमकी उच्चारी अपक्ष उम्मीदवारी नोंधावनारा भाजपा नेताओं ने पार्टी सस्पेन्ड करशे। पाटिल नी लास्ट वोर्निंग ने मानवा हजू पण केटलाक नेताओ तैयार नथी। अमदावाद टिकट वेचनी बाद आम आदमी पार्टी कार्यक्रमों में रोष व्याप्यो। मणिनगर विधानसभा में आपना 70 कार्यकर्ताओं पार्टी में राजीनामा आपी दीधा।
मणिनगर बैठक पर विपुल पटेल ने टिकट आपता अन्य कार्यकर्ताओं नाराज थता पार्टी सामे राजीनामा धरी दीधा। आगामी दिवस में हजू वधारे कार्यकर्ताओं राजीनामा पड़े तेवी संभावना है।